आई होप हमें सनराइज देखने को मिल जाए। छोटे छोटे हर्मेट्स कैसे चल के जा रहे हैं पानी में। चलिए आपको मैं अपना होटल दिखाता हूँ। तो हमने सोचा कि कुछ सोविनियर ले लेते हैं। चार मोटर है इसमें और ये डायरेक्ट सीन एंटर होता है। वो आके बार है माफुशी का। माफुशी से अब निकल रहे हैं। बोट पहुंच चुका है अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। गुड मॉर्निंग इंडिया, मालदीव से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये है डे 4 माफुशी में और आ गया मैं सनराइज के लिए सुबह सुबह। यहाँ समय हो रहा है 5:52, आप 30 मिनट्स ऐड कर लीजिए इंडियन टाइमिंग में। तो अभी सनराइज देखने आए हैं मैं और हमारी मिसेस, क्योंकि सनसेट आपको पहले पहले व्लॉग में दिखाया था मैंने, तो सनराइज़ नहीं दिखाया था तो उसी के लिए आए हैं अभी। तो आशा करता हूँ कि अभी ये आपको सनराइज अच्छा लगेगा। ये देखिए सुबह सुबह कितना मस्त लग रहा है। आई होप हमें सनराइज देखने को मिल जाए, क्योंकि मेरे को डर है बादल है, कहीं दिखने को नहीं मिला तो हमारी एक बेड लक होगी। ये आप मेरे पीछे सनराइज़ देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट सनराइज़ है माफुशी में। इसके बाद अपन निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से कहाँ जाऊँगा वो आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो मेरे को पता है लेकिन मेरी मिसेज को नहीं पता है, तो अभी बताना नहीं है आपको भी और उनको भी, आपको आगे पता ही चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे हर्मेट्स कैसे चल के जा रहे हैं पानी में जैसे ही सनराइज़ हुआ। वो भी देख के बहुत ही क्यूट सा मोमेंट है, दिखाता हूँ आपको। आपने हर्मेट देखा कितने क्यूट और छोटू से थे। अब चलिए आपको मैं अपना होटल दिखाता हूँ, होटल कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने व्लॉग्स में अपना होटल दिखाया नहीं था। चलिए अब सीधे होटल की ओर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लोकल्स लोग बीच साफ़ कर रहे हैं, कचरा नहीं साफ़ कर रहे हैं एक्चुअली, वो पत्ते होते गिरे रहते हैं ना वो साफ़ कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि प्लास्टिक सब फेंके होंगे कोई वो साफ़ कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा होटल है रोजमेरी बुटीक, हमारी मिसेज वालेटी हैं। ये मस्त है, हर जगह ऐसे डाल देते हैं लोग, बैठो और आराम करो वहाँ पर। ऐसे ही हर जगह है इधर होटल, बीच व्यू, सनसेट व्यू, ऐसे ही सब है सनराइज़ व्यू होटल्स। इधर आपको एक्सकर्शंस में मिल जाएगा, अभी अंदर का आपको दिखाता हूँ मैं। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया और ये खाने का एरिया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इधर ही होता है अपना। ये अपना सीढ़ी है, हम लोग तीसरे फ्लोर में हैं। ये पैसेज है, पैसेज में भी इन्होंने POP बनाया है और लाइटिंग्स दिया है डिस्को लाइटिंग करके। फिर हम लोग रुके हैं रूम नंबर 303 में और ये है अपना रूम छोटू सा, ये रेस्ट कर रही हैं। इधर एक टेबल है जिस पर हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पिए हैं। ये अपना क्लोज़ेट है, इसमें एक लॉकर भी है जो हम लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं। अरे मैं हूँ अपने रूम में भी POP डिज़ाइन है, उसमें भी डिस्को लाइट्स है, तो डिस्को डांसिंग करेंगे अपन। आज माफिशी छोड़ने का दिन है तो हमने सोचा कि कुछ सोविनियर ले लेते हैं याद के लिए। तो हमारे होटल के ठीक बगल में दूसरा शॉप है, तो उधर ही हम लोग सोविनियर्स लेने आए हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इधर। इधर आपको फ्रिज मैग्नेट्स देखने के लिए मिल जाएगा, फिर उसके बाद की चेन्स, टी शर्ट्स भी मिलेगा आपको, फिर बहुत सारे
लकड़ी के क्राफ्टेड थिंग्स, फिर टर्टल्स, सब मस्त पेंट किए हैं, ये सब लकड़ी में किए हैं। ये ले लीजिए, शॉर्ट्स के लिए काम आएगा, वोडका शॉर्ट्स। सब मस्त बैग सब बनाए इधर। अभी दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूँ। तो इस तरफ देखिए हार है, इधर गले का लॉकेट्स मिल जाएगा, फिर ऊपर क्राफ्टेड आइटम्स, बैंगल्स, फिर ये सब है हैंडक्राफ्ट। इनको देखिए, मैं पहले एंटर किया डर गया, मुझे लगा ये सच में है क्या, जिंदा है। तो हमने दो सामान लिया, इधर से एक फ्रिज मैग्नेट लिया, फिर एक प्लेट मालदीव जैसा ड्रॉ था वो लिया, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो अभी उन्होंने पैक कर दिया है, तो अपन अभी इधर से निकल रहे हैं। लोग रूम में आ गए हैं, अब पैकिंग करने का समय आ गया, यहाँ से निकलना है हमको अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो ये हमने लिया था, एक फ्रिज मैग्नेट है, और फिर ये पैक कर दिया है। ये जैसे मैंने बोला, आगे कभी दिखाऊंगा आपको, जब कंप्लीट गाइड लेके आऊंगा मैं मालदीव्स का, तब दिखाऊंगा। तो अभी फटाफट पैकिंग करते हैं, फिर फ्रेशन अप होते हैं और फिर निकलते हैं अपन माफुशी से। ये हमारा माफुशी से चेकआउट करने का समय आ गया, सब पैकिंग हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। रिसेप्शन से कोई आएंगे, सब सामान लेके जाएंगे। हम लोग थर्ड फ्लोर में थे, तो भाई लिफ्ट नहीं है, उनको आने दो लेके जाने के लिए। तो अभी नीचे जा रहे हैं, चेकआउट का फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके फिर होटल से निकलते हैं अपन। चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ हो गया है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा था ट्रिप माफुशी का? हमारा स्टे कंप्लीट होता है इधर माफुशी में, अब हम लोग वापस जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल नहीं पता है। फिलहाल तो अपन एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं, और एक जगह जाके स्टे करेंगे, कल अपन एयरपोर्ट निकलेंगे। तो माफुशी का स्टे मस्त था, एक्चुअली मस्त था। बहुत टायर्ड थी, मुंबई की आठवन आ ली लेकिन बीचेस देख के याद आ गया मुंबई का थोड़ा बहुत। जी हम लोग स्पीड बोट में पहुंच गए हैं, अभी निकलेंगे थोड़ी देर से। स्पीड बोट मेरे ख्याल से जहाँ जाना है अपने को वहाँ पर आधे घंटे में पहुँचा देगा, मस्त स्पीड चलता है। पहले व्लॉग में आपने देखा होगा मालदीव्स के, अभी इसमें भी अटैच करूँगा देखने के लिए। पहले व्लॉग में कंपेयर करना और अभी कंपेयर करना, कितना कालू हो गया हूँ मैं। तो ये अपना स्पीड बोट 3x3 का कॉन्फिगर है, सीटिंग कॉन्फिगर, और फिर इधर एक लंबा सीट है, हम लोग इधर कोने में बैठे हैं, सेफ्टी है। इधर डायरेक्ट कुछ सेफ्टी नहीं है, अपन डायरेक्ट निकल के जा सकते हैं मोटर के पास। देखिए चार मोटर है इसमें, और ये डायरेक्ट सीन एंटर होता है माफुशी के आइलैंड पे। ये देखिए एक बोट आया अभी, ये पैरासेलिंग करके आ रहे हैं। पानी देखिए कैसा है, और वो जो आपको शिप दिख रहा होगा उधर, वो आके बार है माफुशी का। लोकल आइलैंड पे दारू मिलता नहीं है, तो आपको अगर दारू पीना है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये हम लोग माफुशी से अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। बाय बाय माफुशी।
तो ये हमारा स्पीड बोट पहुँच चुका है अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। इधर का भी पानी एकदम मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। हमारे लगेज बाहर आ रहे हैं, एक आ गया, एक और बाकी है, हाँ दूसरा भी आ गया। ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, क्या नाम है बताता हूँ आगे, थोड़ा सब्र करिए। अभी इधर से टैक्सी पकड़ के हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे, वहाँ पर मिलके आपको बताता हूँ किधर पहुँचे हम लोग। हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन के दूसरे होटल में पहुंच चुके हैं और हम आए हैं फिलहाल कहाँ, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो पे। वो वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ उस डेस्टिनेशन के लिए डेडिकेटेड रहेगा। मैं चाहता तो इसमें मिक्स कर सकता था, लेकिन इसमें आधा इन्फॉर्मेशन फिर अगले वीडियो में आधा इन्फॉर्मेशन, वो डालना मेरे को लगा कि सही नहीं होगा, तो इसलिए फिलहाल इस वीडियो को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ और उस डेस्टिनेशन के बारे में और उसके प्लेसेस के बारे में अगले वीडियो में डालूँगा मैं। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगा। अगर इसमें कुछ आपको पसंद आया और पूरे सीरीज़ में कुछ पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबके पास पहुँचा दीजिए ताकि अगले बार वो भी आए तो सब मालूम चले। और जैसे मैं वीडियोज़ में बोलते रहा हूँ कि मैं एक डेडिकेटेड, एक नहीं दो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पहला कि इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे करते हैं और दूसरा कि मालदीव्स कैसे आते हैं और क्या क्या करना चाहिए और कितना खर्चा लगेगा, मिनिमम से मिनिमम बजट बताऊंगा कितना खर्चा लगेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ, आप लोगों को मिलूँगा अगले ब्लॉग में।